छोकरी बोलती है आज धंधा ही करूंगी। अच्छा, इसे आखिरी बार समझाओ। वरना जग्गू जग्गू की जबानी भी ना जानता है। कोई नई बात करो जग्गू, मैं खुशी से मौत को एक बार कबूल कर लूंगी, मगर हर रोज मर मर कर मैं नहीं जी सकती। तो मेरे मुंह में भी जबान आ गई। पहले मैं तेरी जबान काटूंगा और फिर तेरी आंख ही निकालूंगा। हाँ, और फिर तेरे जिस्म की नाजुक रगों से अपने चट्टों की आखिरी प्यार बचाऊंगा। जग्गू, तुम मर्द बनकर अपने जुल्म की इंतहा करो और मैं औरत बनकर अपने सब्र की इब्तिदा करूंगी। मुल्ज़िम दादू क्योंकि एक ऐसे अड्डे से पकड़ा गया है जहाँ जुर्म परवान चढ़ता है, दूसरे वकला साहबान और गवाहियों के पेशे नजर कत्ल का यकीन होता है, इसलिए मुल्ज़िम दादू को उम्र कैद का हुक्म सुनाया जाता है। नहीं नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। आ,
गाड़ी में बंद कर दो। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इसकी जिंदगी खत्म कर दो। दादू, तुम्हारी भी तो सजा खत्म होने वाली है। कम वक्त जवान भी हो गया होगा। जेल की चार दीवारी ने उसे जिंदगी गुजारने का सबक भी पढ़ा दिया होगा। हाँ, सब कुछ याद आ गया। हर चीज पहचान बनकर मेरी आंखों के सामने है। मैंने तुम्हें भी पहचान लिया है जग्गू। बचपन में एक बार यहां लाए थे तो जवानी सजा बना दी। अब क्या मुझसे मेरी आखिरी सांस भी छीनना चाहते हो? दादू, मैंने तुम्हारी याद में एक एक पल बड़े दुख से काटा है। मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं जग्गू। तुम्हारे इन सफेद बालों के पीछे छुपे हुए तुम्हारे इरादे भी जानता हूं। खुदा के लिए हमदर्द बनकर मुझे अब किसी और इम्तिहान में न डालना। दादू, मैं तो तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं किया। तो मेरे कोई नहीं। तुम मेरे साथी हो। मैं तुम्हारे साथी बनना नहीं चाहता। पहचान रहा हूं। कहां जाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है चक्कू, और अगर किसी ने तुम्हारा वजूद पूछ लिया तो मैं सच सच बता दूं। सच कहना मुश्किल है दादू, सच सुनना और भी मुश्किल है। जब लोगों को यह मालूम होगा कि तुम कत्ल के मुजरिम हो, तुम उम्र कैद की सजा काट कर जेल से निकले हो, और कोई तुमसे दूर भागेगा। लेकिन मेरी सच्चाई उन्हें मेरे करीब ले। दादू, सच्चाई के मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब वक्त और जमाना तुम्हारी सच्चाई को बर्दाश्त न करते हुए शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह तुम्हें ठोकरों में डाल दे, तो ये दरवाजा न खुला। ये दरवाजा उस वक्त भी तुम पर खुला होगा। दादू, पहली ही ठोकर तुम्हें दुनिया वालों की हमदर्दी का एहसास दिला देगी। बाबा जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, यहाँ कोई धंधा मिल जाएगा? बेटे, मैं खुद 20 साल से मुतवातर नौकरी की तलाश में चक्कर मार रहा हूँ। 20 साल से? जी हाँ। अच्छा बाबा जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज। भैया सुनो। जी। मुझे कोई धंधा मिल जाएगा? माफ करना भैया, मेरे पास टाइम नहीं। क्या, किस किस्म के लोग? मैनेजर साहब। जी। कोई नौकरी मिल जाएगी? मेरे पास तो भाई पहले ही एक बड़ा फालतू है। मुझे घर के चौकीदार के लिए रख लें। आजकल चोरी का जमाना है, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। कहां से आए तुम? मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, जेल से आया। जेल से आए? जाओ, मेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है। लेकिन अब मेरे पर कोई केस नहीं। अरे भाई, तो मैं क्या करूं, तुम्हारे पर कोई केस नहीं है।
जाओ यहां से। दादू खबर क्या कर रहे हो? दिन भर नौकरी तलाश की, दुनिया वाले नौकरी देते हैं ना खाने को देते। मगर रहते कहाँ और आए कहाँ से हो? जेल से। जेल से? हाँ, जिसे बताता हूँ कोई रखने को तैयार नहीं होता, तुम ही कहीं रखवा दो। मगर मैं क्या कर सकता हूँ, महाराज तुम इस तरह जा नहीं सो सकते, जाओ। जीत गया है उस्ताद। दादू इसीलिए दरवाजा खुला रखा था, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। बड़े जख्म खाकर वापस आया हूं उस्ताद, दुनिया वालों ने कुचल कर रख दिया है, कुचल कर रख दिया है। अच्छाई के रास्ते में इस तरह दीवार बनती है जिसे उन्हें इसी नेक काम के लिए पैदा किया गया। बस इतनी ठोकरें खाई कि अब तो लुढ़कता हुआ पत्थर बन गया। दादू तो फिर पत्थर बनकर दुनिया के सामने जाओ, ऐसा मजबूत पत्थर जो चट्टान की तरह मजबूत हो, जो भी टकराए टुकड़े टुकड़े हो जाए। राजू सच्चाई नेकी रहम खलूस सब पांव की जंजीरें तोड़ दो इन्हें, टुकड़ा दो इन्हें। अब तुम जो कहोगे वही करो। मैं भी तुम्हारे नाम की बिठा दूंगा, लोग तुमसे हाफ कहेंगे, डरेंगे, सहमेंगे और मेरे हाथ में होगी। बेच तुम लड़ाओगे, शक्ल तुम्हारी होगी, अकल मेरी चलेगी। इतने कम पैसे? तमाशबीन बहुत करीब था उस्ताद। मुझे तमाशबीन की नहीं, तुम्हारी कीमत चाहिए। वो तो रोज ही लेते हो, आज कम है तो क्या हुआ? क्या हुआ, मैं बुरे करना भी जानता। उस्ताद अरे करे
आज तो चाल भी नहीं है और चेहरे का रंग। अरे उस्ताद, खबर इससे भी ज्यादा नहीं है। आज तुझ मैं जिधर से भी गुजरता हूँ, हर आंख झुकी हुई है, हर हाथ इस्तकबाल कर रहा है। कोई बोतलें पेश करता है, कोई सिगरेट दे रहा है, कोई कहता है दादू पहलवान जिंदाबाद। कुछ समझ में नहीं है, हो क्या के? सदा तो बहुत अच्छी है, उम्मीद है इंतहा भी अच्छी होगी। लेकिन 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 तुम्हें आगे नहीं पीछे की तरफ ले जाएगी। है? पीछे तुम जा नहीं सकते और आगे जाने से तुम रह नहीं सकते। आज का चर्चा कानून से दामन बचाकर कंजरों के कोठे तक जा पहुंचा है। चर्चा भी गाना सुनता है। खत्म हो गया भाई जी, खत्म हो गया। अरे क्या हुआ मच्छंदर? चलो अंदर। जेल में? अरे देर से तो दादू रिहा होकर आ गया है। फिर? और आते ही वारदात शुरू कर दी है। हमारी बरादरी ने फैसला किया है कि उसका महीना लगा दिया जाए। इस तरह हमारी जान भी बची रहेगी और हमारी बेटियों की इज्जत भी। फिटे मुँह तुम्हारा क्या मुँह है लंगूर वर्गा? मतलब ये है कि हमारी बहू की बेटी ने तो डिग्री लेनी है, डिग्री। क्यों भाई जी, क्या छोटी भाई जी को तमाशबीनों ने कलर्क रखना है? बकवास ना कर कमीने, कहीं बहू के कान में घंटी ना खड़क जाए। हेलो नजमा। हेलो। आज बेहजत की नई फिल्म लग रही है, चलो की ना? जी नहीं, मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। देखो बेहजत कितना हैंडसम और स्मार्ट है। मैं तो उसकी आंखों का अपनी जान भी कुर्बान कर सकती। तुम लोगों का तो आजादी ने दिमाग खराब कर रखा है। अगर यही वक्त अपनी पढ़ाई में लगाओ तो ठीक नहीं है क्या? खुदा के लिए अपनी तकरीर बंद करो, तुम्हारी वजह से तो हमारे कॉलेज का स्टेटस गिर गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन काश आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि माँ बाप कितनी मुश्किलों से अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, मगर आप लोगों के पास ये सोचने के लिए वक्त ही कहाँ है। आपको तो सिर्फ मोहम्मद अली, नदीम और वहीद मुराद ही याद रहते हैं। इसीलिए तो आई हूँ, जब कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में छुप छुप कर मिलने आवे है ना, तो उन दोनों की जो बात हो गए वही मैं तुमसे करने आई हूँ। मैं तेरे दिल की बात समझ गया, अब तू भी मेरे मन की बात मान। वो क्या? वो ये कि फौरन यहाँ से 9:00 to 11:00। माँ की फिक्र न कर, वो रानी के घर गई है। रानी का 7 बहनों के बाद भाई पैदा हुआ है। तू क्यों नहीं गई? मैं तेरे पास जो आ गई हूँ। और किसी ने देख लिया तो? तो फिर मैं तेरे दिल में छुप जाऊं? जी नहीं, इस दिल के खिड़की दरवाजे बंद है। चल बाहर।
शाहिद, शाहिद। ओहो उठ बेटे, तेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। अरे अम्मी, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। अच्छे ख्वाब तो इंसान सारी जिंदगी देखता है, लेकिन ताबीर जिंदगी में कभी कभी मिलती है। मेरे सबसे अच्छे ख्वाब वो होते हैं जिनमें आप आते हैं। अभी मैं आप ही को देख रहा हूँ। क्या बात है, आपकी आंखें क्यों सुर्ख हैं? अरे वो कोई खास बात नहीं, वो मैं चूल्हा जला रही थी, शायद कोई राख वाख पड़ गई होगी। हैं? जाने दीजिए अम्मी, क्यों मेरी आंखों में धूल झोंकती है? कितनी बार समझाया है कि जवान बेटे को सुलाकर रातों को ना जागा करें। आपकी दिन रात की मेहनत का ख्याल आता है तो मेरी मंजिल मेरा मजाक उड़ाने लगती है। तो ऐसा क्यों सोचता है? क्यों ना सोचूं अम्मी, मैं जवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पार्ट टाइम मुलाजमत मिल सकती है, रात को टैक्सी चला सकता हूँ। लेकिन आप, मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं करती, तन्हाई काटने लगती है तो काम करने लग जाती हूँ, और फिर चंद महीनों की तो बात है, तू खैर से वकील बन जाएगा तो फिर हम दोनों सुखी हो जाएंगे। मैं जानता हूँ आप कब सुखी होंगी, मेरी बड़ी से बड़ी खुशी के मौके पर भी आपकी एक आंख हमेशा नम रहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अपनी याद को पीछे ले जाओ उस्ताद, और उस अंधेरे में झांकने की कोशिश करो जिसने मुझसे मेरी मंजिल भी छीनी है और मां भी। कितनी बार बता चुका हूं दादू, तो मेरा एक कारिंदा राजू रेलवे स्टेशन से उठा कर लाया था, वो जिंदा होता तो कुछ और भी बता देता, वो तो पुलिस मुकाबले में मारा गया। सिर्फ इतना बता दिया था, तुम्हारे मुंह पर दो ही लफ्ज थे, अम्मी मन्ना। अच्छा मैं अभी पूरी हो चुकी होगी और मुन्ना चला। हादसा हो गया मगर संगीन नहीं, रंगीन हादसा। अरे चुप कर, बदतमीज कहीं की नजर नहीं आता क्या? लगा रखी, ये लाइब्रेरी है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। अमोद का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिल में रात हो जाए
सर्दियों में गर्मी हो जाए, जैसे मियां मीर की नहर में सैलाब आ जाए, जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए। बहार तो आ गई। गलब की शायरी की हो रही थी, क्या खूब कहा है उन्होंने। ना छेड़े निगत बादी की मारी राह न तो तुझे क्या क्या। वकालत से कोई दिलचस्पी है? जी नहीं, बहुत खुशकिस्मत है। तो फिर मेरी किताब वापस कर दीजिए। ये रही आपकी किताब, मेरी किताब डेस्क पे रख दी। जी बेहतर। क्या भैया भैया लगा रखी है? अरे इस रिश्ते से तो मेरे बाप को भी जिद थी। तेरा बाप था? तो और क्या, मैं मुर्गी खाने की पैदाइश हूँ। हाय हाय, टब्बर तो टब्बर ही बिगड़े हैं। टब्बर? अरे टब्बर क्या होता है? अरे आप आ रहे हो जी? मामू जान हमको मारो। इतना जोर से तो मत मारो जालिम का बच्ची। मेरी जान, तुम्हारा नाम है शरबत खान। मारो, मेरी उठा के ले जा। मत खाना, निकालो पैसे, निकालो। गला खराब हो जाएगा, ये लो ठंडी ठंडी बोतल पियो। ये भी ना मार भाई, वो तो ऐसा हो। मैंने तुझे कई बार कहा है मुझे भैया मत कहा करो। देख, मेरी कोई बहन है? बिल्कुल नहीं। तो तू मुझे अपनी बहन बना लेना, सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगी। मैंने तुझे कितने बार कहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आइंदा अगर भैया कहा तो खुदा की कसम उठा कर ले जाऊंगा। चुके, ये तेरी गंदी जबान का जवाब है। जिस दिन तेरे नापाक हाथ मेरी तरफ बढ़े, इस बोतल की तरह रेजा रेजा हो जाऊंगी। ता है तो सख्ती से नहीं, सियासत से काबू है। अम्मी जान। बेटी, आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों कर दी? कॉलेज में डिपे थी और आपकी बेटी फर्स्ट आई है। मौजू क्या था? आज के दौर में भी इंसान बिक रहा है क्या? हाँ माँ, यकीन कर लो, चांद सितारों पर कमंड डालने वाले इंसान इंसान के हाथों बिक रहे हैं, और इंसानियत के नारे भी खुद ही लगाते हैं। मैंने भी आज इंसान का एक रूप दिखाया है जिसे औरत कहते हैं। वो औरत जो आज तक गुलामी की चक्की में पिसती आ रही है, वो औरत जो आज तक नीलामी की सलीब पर लटकाई जा रही है। इंसान ही इंसान को बिक रहा है और इंसान ही इंसान का खरीदार है। नजवा, तुम कॉलेज में तालीम हासिल करने जाती हो या सबक देने? यही तो रोना है माँ, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वालों के जहन भी आज तक वैसे के वैसे ही है। तुम्हारा तो फलसफे के मजमून ने दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें दुनिया से क्या? मैंने तुम्हें तालीम की रोशनी इसलिए दिलवाई है कि कहीं वक्त के तारीख साए तुम्हें अंधेरों में ना फेंकते। खुदा खैर करे, कोई खास काम आन पड़ा है क्या? जी नहीं, बात यह है कि मुझे औरतों के आलमी साल ने बहुत मुतासिर किया है। तुम जो कुछ भी कहो, मर्द मतलब के बगैर कभी औरत की इज्जत नहीं करता। खैर, ये तो इल्जाम है मर्दों पर। दरअसल बात यह है कि रात नजमा की तकरीर ने मुझे औरत की अजमत का एहसास दिला दिया। फिर? फिर ये कि मैं उसे दाद देना चाहता हूँ। तो यूँ कहो ना कि उसे मस्का लगाना चाहते हो। नहीं, उसकी अजमत का इतराफ करना था। तो फिर जाइए, जो हो सकता है कर लीजिए। आप नहीं चलेंगी सर, डर लगता है मुझे। लड़की है, कोई बागर बिल्ला तो नहीं जो डरते हो? और अगर वो बुरा मान गई? मेरी सहेली दिल की बहुत अच्छी है, अगर बुरा मान भी गई तो चालान कर लेगी। देखिए, आप मजाक कर रही हैं और मैं बहुत सीरियस हूँ। शाहिद मियाँ, जाइए, शौक से जाइए, आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा।
जी माफ कीजिएगा। माफ किया। एक तकलीफ देनी थी छोटी सी। कहिए क्या चाहिए? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मेरा? क्यों, आप किसी से कम है क्या? मगर जनाब ऑटोग्राफ तो किसी मशहूर या अहम हस्ती का लिया जाता है। मेरे लिए तो आप ही बड़ी अहम हस्ती। मेरा मतलब है क्या पता मुस्तकबिल में आप कितनी बड़ी हस्ती बन जाए। आजकल तो औरतें वजीर आजम बन जाती। लेकिन मेरा फिलहाल वजीर बनने का कोई चांस नहीं समझे। छोड़िए इनके सारी को, दे दीजिए ऑटोग्राफ। एक बात सुनिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मेरी एक ताजा गजल के चंद पुराने शेर सुन लें? इससे आपका सर भारी हो जाएगा और खादम का पेट हल्का। क्या रात? आपका कोई कसूर नहीं, शुरू शुरू में हाजी लक लक के साथ भी यही हुआ था। बात तो सुनिए, बात पुरानी है लेकिन कई एक नए अंदाज के साथ है। अंदाज वही अपनाया है, तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। क्या काफिया लाया हूँ, आपके कपड़ों से ज्यादा चूसना हो तो टिकट के पैसे वक्त। प्लीज मिसेज जख्मी, आप मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें। हाँ, लड़की आगाज में इसी किस्म के सख्त जुमले कहती है। यकीन ना आए तो मेरे साथ सहन में चलिए। चौथी ही रील में हीरोइन मुंह में उंगली दबा के गाती है, चन सजना वे नेड़े नेड़े हो। आपने फिल्मों से कुछ नहीं सीखा? आपने तो फिल्म का एंडी लगा दिया, मैं तो ट्रेलर समझ के मजाक कर रहा था। देखिए बानी है हमारी। हाथ टिकी हुई है यहाँ? बस बैठी रहने दे, मैं इसे खाना दे दूँगी। मैं खाना दे देती। इतने बड़े दीदी है तेरे और पढ़ा लिखा भी है, नजर नहीं आ रही है। अम्मी की तबीयत खराब है। अम्मी? कुछ नहीं बेटे, ऐसे जरा चक्कर आ गया था। डॉक्टर को बुला। बस बस रहने दे, जो काम तुझे करना था ना वो तारों ने कर दिखाया है। हकीम से दवाई भी ला दी और पाँव भी दबा दिए। कम अज कम शुक्रिया तो अदा कर दे नतीजे। शुक्रिया शुक्रिया, कभी तेरा बाप बीमार हो तो बुलवा लेना मुझे। अम्मी तारा तू बड़ी अच्छी बच्ची है, आज अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरी क्या हालत हो जाती। वाह, मैं क्यों ना होती? मुझे तो तेरी खिदमत करके वो खुशी हो गई है, वो खुशी हो गई है जैसे कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ। मैं भी तो तुझे अपनी बेटी समझती हूँ। जा बेटी अब घर जा, मेरा शाहिद आ गया। फिर क्या हुआ, इससे मेरा पर्दा थोड़ी है। आप लेटी रहे, मैं खाना लेकर। बस बस बस, तू ना मेरी खिदमत करना खुशामत यही लगी रहे। ले लेता हूँ खाना। Thank you.
था। सरदार नज्जे के हाथ में चक्कू और फैसला जबान पर, और जबान इंतजार कर रही है उस दादू का। दहशत मेरी नाकामी भी है और मेरे सीने का नाशोर भी। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आती है, मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आता है, सोच सकते तुम्हारी बुद्धि का इतना है। समझो तो ये मेरी बहादुरी का ऐलान है। अब भी वक्त है मर जाने के। तुम्हारी ये गुस्ताखी सिर्फ ये समझ कर माफ करती है कि तुम दादू को जानते हो, उसकी दहशत नहीं जानते। दहशत की ये दास्तान नज्जे की एक गोली की मोहताज है चक्कू। मेरे होते हुए कोई गोली दादू तक नहीं पहुंच सकती। मेरा फैसला तो ये गोली कर देगी और दादू तक मैं खुद पहुंच जाऊंगा। दिलेर इसलिए नहीं हो कि हमले के लिए हौसला नहीं हथियार लाए, बदमाश इसलिए नहीं कह सकता कि सिर्फ ललकारना जानते हो, मारना नहीं। गैरतमंद इसलिए नहीं कहूंगा कि तुम्हारी कमाई भी बेगैरती की है और कारोबार भी, और कोई बेगैरत किसी बहादुर पर गोली नहीं चला सकता। गोली चलाना ही नहीं, हाथों में हाथ डालने भी आते हैं दादू। पहले आंखों में आंखें डालकर तो देखना जे। मेरे साथ में उस रुपए खून को देख दादू। इस खून को तुम्हें चाटना होगा। यह जुरत तेरी जान भी ले सकती है दादू। जिंदगी जाता तो मेरे रास्ते से हट जा। मैं इस बाजार का वाहिद बदमाश हूं। इस बदमाश की लाश आज फिर इस बाजार ही में लटकेगी। ये मेरे उस्ताद का एहतराम न करने की सजा भी है और ऊंचा बोलने का। बस करो दादू, बस करो। इसे इसलिए भी छोड़ दो कि बहादुरों के दामन पर बुजदिल के खून के दब्बे नहीं होते। तुम्हारे कहने पर जान बख्श देता हूं उस्ताद, लेकिन मैं इसकी आन जरूर तोड़ूंगा। धनंजय, अपने हाथों से अपना खून चाटो। आज तुमने तुम्हारी औकात बताई है, कल ललकारोगे तो अंजाम भी बता दूंगा। चचा गालिब के एक शेर का पूंडा होने वाला है। क्या मतलब? तो सुनो, जान तुझ पर निसार करता हूँ, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काश तुम शर्मसार ही हो जाते। मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ जब आदमी शर्मसार होता है। हाल पता मैं बीमार हो सकता हूँ। तुम इश्क मुझे घुन की तरह खा चुका है, मेरा पेट अंदर से बिल्कुल खाली है। बेशक इसमें झांक कर देख लो, घुस कर देख लो, बैठ कर देख लो, खड़ी होकर देख लो, अंगड़ाई लेकर देख लो, अगर गुंजाइश हो तो इसमें लेट कर देख लो। और ये सब कुछ नहीं कर सकती तो मेरी आंखों में झांको, देखो तुम्हें क्या नजर आता है। मुझे तो सिर्फ भूख नजर आती है। बड़े शर्म की बात है, अफसोस बहुत अफसोस। लगता है तुम्हें हीर वारे शाह जबानी याद करवानी पड़ेगी। कुछ शायद तो नजमा से शर्म हासिल करो, थोड़े ही दिनों में वो कितनी दूर जा चुके हैं जिसे उन्होंने पुलिस भी नहीं फड़ सकती। पहाड़ों में, चट्टानों में, फिजाओं में, हवाओं में, हत्ता के पैतल खलाओं में भी प्यार के नगमे गा रहे हैं। ला 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 ला।
अपने ख्वाब सजा दूंगा मैं इन मगरूर निगाहों में, तुम घबरा के आ जाओगी एक दिन मेरी बाहों में, तुमको अगर पाने का, तुमको अगर पाने का अरमान किया है मैंने, मानो ना मानो तुम पर एहसान किया है मैंने, दिल देके तुम्हें अपना अपनी मिसाल होता है, प्यार तो लाजवाल होता है, प्यार जब जागता है आंखों में फिर अजब दिल का हाल होता है, आप अपनी मिसाल होता है, प्यार तो लाजवाल होता है। चाहे हमसे दुनिया रूठे जब तक इस दिल में है धड़कन। ला 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 प्यार तो एक दिन होना था हो गया, प्यार तो एक दिन होना था हो गया, दिल तो एक दिन खोना था खो गया, तेरा मेरा प्यार अमर, तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर, सूरज दी। प्यार तो एक दिन होना था हो गया, अमर साथ रहेंगे जीवन भर, प्यार तो एक दिन होना था हो गया। थे जाने तेरे नाम से, तुझसे लगा के दिल गए हम काम से, हम तुम हैं दीवाने दोनों प्यार के, मैंने तुमको जीत लिया दिल हार के, दिल हार के, इस दिल का अरमान हो तुम, इस दिल का अरमान हो तुम, जिसको हूँ मैं और जान हो तुम, सूरज दी। प्यार तो एक दिन होना था हो गया, ¶¶
रहा है सोना धूप का, फूलों पे है रंग तेरे ही रूप का। दिन हो या अब रात सनम, छूटेगा ना साथ सनम। प्यार तो एक दिन होना था, होना था, हो गया। दिल को एक दिन खोना था, खोना था, हो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, क्या हुआ? टूट गया। क्या? एक बहुत ही हसीन ख्वाब। फिर क्या, वहां भी तुम थी, यहां भी तुम, हर जगह, हर लम्हे, हर सांस में तुम। बस बस, बहुत जज्बाती होते जा रहे हो। क्या करूं, आदम का बेटा जो हुआ। प्लीज, मुझे तुमसे डर लग रहा है। क्यों, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? तू मगर। अगर मगर क्या, तुम आज ही मेरी मोहब्बत को आजमा लो, मुझे अपना घर दिखा दो, मैं अपनी अम्मी को लेकर आ जाता हूँ। घर ना बाबा ना, मैं तुम्हें अपना घर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। उधर हटो। बन रही हो, आगे जाकर तो तोते की तरह आंखें बदल लोगी। अच्छा अच्छा, बस बात ना बना। मैं जवाब दो जी। क्या? अपनी अम्मी को भेजो तुम्हारी अम्मी के पास। पहले इम्तिहान बने तो। इम्तिहान में तो पास हो ही जाऊंगी, आज से पहले कभी फेल हुई हो? लेकिन बाद इम्तिहान बहुत मुश्किल होती है। तुम्हारे लिए इम्तिहान क्या? मैं इस इम्तिहान की नहीं, दूसरे इम्तिहान की बात कर रही हूँ, जो इसके बाद सामने आएगा। तुम्हारे लिए कोई इम्तिहान मुश्किल नहीं है लक्ष्मण, और फिर मैं जो तुम्हारी मदद के लिए पहुंचा। मगर शाही, सच कह लो, हमारे इम्तिहान में कामयाब हो गए। ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा शाही, मगर मुझे बहुत डर लगता है शाही। मुबारक हो। मुबारकबाद ऐसे देते हैं क्या? कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं। नजमा, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला कामयाबी की सूरत में मिल गया, मुझे भी मेरी मोहब्बत का जब मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यकीन करो शाहिद, इम्तिहान पास करने की मुझे इतनी खुशी नहीं जितना तुम्हें हासिल करने की होगी। तो फिर आज ही अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूं, मुबारकबाद भी दे आएंगे और इस बहाने कुछ मांग भी लाएंगे। अल्लाह, इतनी जल्दी भी क्या है? देखो ना, मैं तुम्हें खुद ही किसी दिन ले चलूंगी। हाँ, किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? देखो शायद, दरअसल बात यह है कि इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। कमाल करती हो तुम तो हर बार ही। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, फिर मिलूंगी, बाय बाय। हाँ Thank you.
डॉक्टर साहब वो मरीज बच तो जाएगा ना? चोट शदीद लगी है, खून की जरूरत है। आप जितना चाहे मेरा खून ले लें डॉक्टर साहब, लेकिन उसकी जान बचा लें। ठीक है, मैं आपका खून टेस्ट करवा लेता हूँ, अगर सूट कर गया तो फिर ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा जल्दी चलिए, एक सीरियस केस आया। तुम चलो मैं आता हूँ। नर्स तुम इसका ख्याल रखना, जब ये होश में आ जाए तो ब्लड बंद कर देना। नर्स इन्हें फौरन कैजुअल्टी वार्ड में ले चलो। डॉक्टर मरीजा की जान तो बच गई है मगर आगे हमेशा के लिए जाहिर हो चुकी है। डॉक्टर साहब वो आदमी होश में आ गया है। अच्छा अच्छा तुम्हें मुबारक हो, मैं चलकर देखता हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, अगर तुम्हें बर वक्त खून ना मिलता तो। खून? मुझे खून किसने दिया डॉक्टर? अरे भाई वही जो तुम्हें यहाँ लाया था। वो फरिश्ता कहाँ है डॉक्टर? वो बाहर खड़ा तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। सुनिए इतनी भी क्या जल्दी, मुझे इस एहसान का शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए। शुक्रिया एहसान नहीं, हर इंसान का फर्ज था। खुशी इस बात की है कि ये फर्ज मेरे हाथ से था। कुछ भी हो आपने मुझे जिंदगी दी। जिंदगी मैंने नहीं, खुदा ने दी। तुम ये बताओ तुम वहां गए क्यों? बस ये मत पूछिए, तकदीर पहली और आखिरी बार वहां शादी इसलिए ले गई थी कि ये छोटा सा हादसा जिंदगी में होने वाले बहुत बड़े हादसे से बचा ले। छोड़िए इस बात को, आप कौन हैं? मेरी माँ मेरे मोहसिन का नाम पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा उसे? हाँ मेरी राह देख रही होगी। फौरन चले जाओ, इसलिए कि इस दुनिया में सिवाय माँ के कोई किसी का इंतजार नहीं करता। आप भी चलिए ना, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं उनसे कहना सिर्फ मेरे लिए दुआ करिए, शायद उनकी दुआओं की सदके मुझे मेरी बिछड़ी हुई मां मिल जाए। हर मां के सीने में एक ही जैसी ममता होती है, अगर सोचें तो मेरी मां भी आपकी मां है। भैया भैया करके तेरे बाप को थाने बुझा दूंगा या तेरे बाप को कत्ल करके खुद थाने पहुंच जाऊंगा। क्या बात है बंपरदार, मुझे तुम आठ आने पागल लगते। चाचा जान आप तो मुझे 16 आने पागल लगते हैं, मेरे जैसा पला पलाया दामाद तो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। और दूसरी बात यह है कि मैं आपकी बेटी के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही हाल मेरा है बंपरदार। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरा आठ आने दिल का दारोमदार मेरी बेटी पर है। कोई बात नहीं, मैं घर दामाद बन के रहूंगा, टिकते मलहक करूंगा, गजने सप्लाई करूंगा, मैं बड़ा बरखुदार बच्चा हूँ। तुम्हारी आठ आने आदतें बड़ी अच्छी है, तुम ये रिश्ता आठ आने पक्का ही समझो। चाचा जान मैं रिश्ता मांगने आया हूँ, रुपए की रेजगारी नहीं। तुम्हारी तबीयत आठ आने बहुत ही अच्छी है, बहरहाल तुम ये रिश्ता आठ आने पक्का ही समझो, क्योंकि आठ आने हमारी बेटी भी तुम्हें पसंद थी। अच्छा क्यों थी ना बेटी? खुदा मैंने कहा ये तुम्हारा बाप है या अठन्नी का मरीज? हमारा मसला तो हल हुआ। अब ये बताओ कि क्या है, वो ना मिला तो नजमा मर जाएगी। खुदा ना करे उन्हें क्या हुआ, वो दोनों तो एक दूसरे के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते थे। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ, नजमा बहुत ज्यादा परेशान है, उसने से कई बार तलाश भी किया लेकिन वो ना मिल सका। दाल में जरूर कुछ कुछ डाला, मैंने भी कुछ दिनों से महसूस किया कि शायद कुछ चुप चुप सा रहने लगा। शायद
कुछ तो बोल बेटे, आखिर इस खामोशी का मकसद क्या है? मेरी किसी बात नाराज तो नहीं, या किसी नए दुख ने चुपकी मार लगा दी है? जब माँ ने जवान बेटों के होते हुए मौत के मुंह में जाके रहे तो गैरतमंद बेटों की जबान तो क्या उनकी सांस भी बंद हो जानी चाहिए। खुदा ना करे बेटे। खुदा ने कुछ नहीं किया माँ, जो कुछ किया है आपने खुद किया है। हर काम खुदा की मर्जी से होता है और खुदा जो कुछ करता है बेहतर करता है। लेकिन मैं खुदा नहीं जो अपनों के दुख देख सके। इंसान हूं मैं, तुम्हें ठोकरे खाते नहीं देख सकता। अरे मैं तेरे होते हुए ठोकरे क्यों खाऊंगी? क्या तू मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा? मैं तो हाथ पकड़ लूंगा बा, लेकिन लोगों की जबान कौन पकड़ेगा जो दिन रात मुझे यही ताने देंगे कि ये है वो मनहूस बेटा जिसके लिए मेहनत करते करते एक माँ अपनी आंखों से महरूम। सच कह रहा हूँ, माएं बेटों को जन्म देती आंखें तो नहीं दे देती। अरे पकले, माएं बेटों के लिए आंखें तो क्या ईमान तक दे देती है, और फिर मेरी आंखें ही तो गई हैं। आंखों का नूर तो नहीं छिन गया जो कम करूं। मेरी आंखों नूर तो तू और हामिद है। इसी बात का तो दुख है कि जो आंखें दिन रात दूर खलाओं में हामिद की राह देखा करती थी अब पास खड़े शाहिद को भी नहीं देख सकती। ये झूठ है शाहिद, झूठ है। जिस रोज हामिद मिल गया यकीन कर उस दिन मेरी आंखें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मैं हामिद को देख सकूंगी, देख सकूंगी। लेकिन मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता बेटे। मैं उस वक्त तक आपको मां कह सकता हूं जब तक मैं बेटा बनकर ना दिखा दूं। मैं आज रात से ही टैक्सी चलाऊंगा। आपको मेरी कसम है अम्मी, आपको मेरी कसम है। अब मुझे ना रोकिएगा। माँ मुझे वो मिल गई है। कौन मिल गई है? जो हसरत बनकर आपके दिल में और आस बनकर मेरे चेहरे पर सजी रहती है। किसकी बात कर रही हो? नौकरी मिल गई है माँ, बहुत अच्छी नौकरी। पता है वो कितनी तनख्वाह देंगे? बता दूँ ना। पूरे 700 रुपए महीना माँ। फर्म के मालिक बहुत नेक दिल इंसान है और पता है उन्होंने तरक्की देने का वादा भी किया है मुझे। अल्लाह उन्हें खुश रखे। देखिए माँ जाओ नजमा, खुदा हाफिज। एक माँ तुम्हें बेटी समझकर नहीं बेटा समझकर नौकरी पर भेज रही है। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी जुबान से किसी का दिल दुखाने वाली कोई बात ना मिले जिससे एक माँ की तरबियत से हर्फ आए। ऐसा ही होगा माँ, दुआ तुम करना, भलाई खुद बखुद टल जाएंगी। जो बेटी। अच्छा माँ। शुक्र है मेरे मौला। मैं कमी सर? यस। आपने मुझे याद किया? हाँ, एक जरूरी चिट्ठी लिखवानी थी। मुझे मालूम है छुट्टी हो चुकी है, तुम्हें ओवर टाइम की जहमत उठानी पड़ेगी। कोई बात नहीं है सर। हाँ, बैठ जाओ। आपका तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मैं सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकूंगी। जाने मैं जी। इट इज माई लव लेटर। मगर सर मैं। यू आर माई सेक्रेटरी। यस सर। यकीन करो नजमा, तुमने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है।
सर, क्या हो गया है आपको? इत्तेफाक से मेरी बिलवट का नाम भी नजमा है। मैं जानता हूं नजमा, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास हुस्न की वो दौलत है जिस पर सारी दुनिया कुर्बान की जा सकती है। अगर तुम मेरी रातों को रोशन कर दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा दूर कर सकता हूं। तुम समझती क्यों नहीं नजमा? लानत है ऐसी नौकरी पर जहां इज्जत की लुटेरे घर देखो। इज्जत हर दौर में दौलत की मोहताज होती है मिस नजमा, और दौलत मेरी जेब में है। सूरज तुम्हारी जेब से नहीं, मशरिक से नमूदार होता है सेठ, और तुम्हारी तिजोरी में नहीं बल्कि मगरिब में हुरूफ होता है। लेकिन गरीब की किस्मत सरमायादार की मुट्ठी में होती है, और ये मुट्ठी आखिरी दम तक बंद रहती है। बकवास बंद करो, मेरा मुकद्दर मेरे खुदा के हाथ में है, और खुदा ने मुझे तालीम की डिग्री दी है। लेकिन एक डिग्री तुम्हें खुदा के बंदों ने भी दे रखी है नजमा भाई, और वो है छन छन छन। जिन रास्तों से तुम छुप छुप कर यहां तक पहुंची हो, हम शरीफ आदमी उन्हीं रास्तों से उस बाजार तक जाने के आदमी। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। अगर तुम्हारी शराफत का भरम खुल गया है तो हमें भी असल रूप में आने दो नजमा भाई। जानता हूं वहां भी सौदा नक्द करती हो, उधार यहां भी नहीं। माथे पर पसीना आने की देर है, पहुंचने से पहले ही कीमत अदा करेगा। मैं तुम पर लानत भेजती हूं। आहिस्ता बोलो नजमा भाई, शोर मचाओगी तो सबके सामने भरम भी खुल जाएगा और बदनाम भी हो जाओगी। मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं धरेगा, इसलिए कि मैं दौलतमंद आदमी हूं। मेरे दिल का कहना मानो तो मैं तुम्हारी हर आरजू को तुम्हारा हुक्म समझकर मानता रहूंगा। पगली कहेगी, टूटे हुए शीशों में मुंह देखना चाहती। शराफत के ठेकेदारों ने पहले दिन के काम की भी उजरत दी है माँ। क्या कह रही हो नजमा? ठीक कह रही हूँ माँ, तुम्हारी बेटी की मजबूरी का खरीदार एक शरीफ आदमी है, कोई बदमाश नहीं। तो क्या? नहीं माँ, मेरे माथे से बहते हुए खून की लकीर में अपने दूध की अच्छाई का एतबार कर लो माँ। मेरे फटे हुए लिबास में मरियम की पाकीज़गी का यकीन कर लो। तुम्हारी बेटी शरीफों से इज्जत तो बचा लाई है, लेकिन माँ वो दुनिया वालों से अब नौकरी की भीख नहीं मांगेगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा है। शराफत अगर किसी के माथे पर लिखी होती बेटी
तो दुनिया में कोई बदमाश ना होता। तुम दिन की रोशनी में शरीफों को ढूंढने निकली थी, मैं रात की स्याही में तुम्हें उनके चेहरे दिखाऊंगी। नहीं आपा, नहीं, मेरी बेटी को यहाँ की रात मत दिखाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बहू, जवान बेटी के घर में होते हुए पहले हम कौन से जिंदा हैं? ना बिरादरी में इज्जत, ना तमाशबीनों में शोहरत। तुम माँ बेटी जो कुछ भी करती रही, मैं खामोश थी, मगर अब नहीं आपा, नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नजमा मेरी 16 साल की मेहनत है। बहू, तुम्हारा बेटी से दूध का रिश्ता है और हमारा खून का। अपनी तालीम का असर तो देख लिया, अब नजमा को मैं अपनी तालीम दूंगी। Thank you.
आज के कमरे में आने की माफी चाहता हूं। वैसे भी मैं ऐसे तकल्लुफात का आदी नहीं। शायद आपको किसी ने आदाब नहीं सिखाए। इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं सरकार। आदाब तो आपके यहाँ सिखाए जाते हैं और आपके यहाँ बदतमीजी सिखाई जाती है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल रात आपकी आवाज ने ऐसा जादू किया है सब आदाब भूल गया। रात कई बात कही, आप तशरीफ ले जाएं। खुदा और तवायफ के घर के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। यहाँ ना किसी को आने से रोका जा सकता है और ना जाने से। मेरा ख्याल है मैं ही ये कमरा छोड़ दूं। ना 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 ना, ना। देवी अगर मंदिर से निकल गई तो बेचारे पुजारी की मुराद कौन पूरी करेगा। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मुझे तनहा छोड़ दो। अगर फिर भी नहीं मानते तो एक तवायफ की इल्तिजा समझ कर ही कहा मान लो। तवायफ सिर्फ हुक्म करना जानती है और तमाशबीन जेब लुटाना। आपको मेरा यहाँ आना अगर इतना ही नागवार गुजरा है तो मैं चला जाता हूँ सरकार। वैसे मैं हाजिरी लगवाने आया था। ये क्या है? आदाब सिखाने के इस खूबसूरत स्कूल की दाखला फीस। नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। इसे नफरत करना छोड़ दो सरकार, वरना मोहब्बत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इब्तदा मैं करता हूँ और एक इंतहा तुम कर दो। बेटी आए हुए धन को घर से नहीं लौटाया कर। उतरे रोंडे हैं, तमाश भी नहीं समझेंगे कि कोठे तो को मर्ग हो गई है। चुप करो, जाइए करोंडे में या बाजार में जाकर बड़ा गोश्त बेचिए और जिस दिन गोश्त का नागा हो अपने आप को बेच दो। मैं क्या उस दिन तेरी बेबे खरीदेगी मैनू? फिर तुमने मेरी वालदा मोहतरमा की शान में गुस्ताखी की। और बींदे दे पुत्र, मैं शान में गुस्ताखी की थी ना, तेरी बेबे कट के लै गए। बीबी जी, ये कटना किसे कहते हैं? पूछ, बीबी ने डिक्शनरी रखी है। किसी को अगवा कर पागल दे पुत्र है करके त्रो कर दे। मियाँ ये फन है फन, और तुम्हें क्या मालूम फन किस चिड़िया का नाम है? और मर जा चिड़िए दी दुखी, ये फन बखान दे है कि वैन पान दे अपने पिछले दा। हुकूमत उसे रियाज करने दो। आया है बीबी, क्या भी मेरे रियाज आप की थी रखी उन पिछली उम्र उन्हू करान लगी। ये तो सुबह सवेरे जाकर एक देर नहारे की हलफ कर लेता है और सारा दिन उल्लू की तरह सोता रहता है। मैं उल्लू की तरियों सोता रहता हूँ और ये उल्लू के पट्ठे की तरियों जागता रहता है। दिल्ली जी, इस उस्ताद नगर में कमरा कर लीजिए वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और तुम भीतर हो जाओगे। तुम खामोश रहो, उसे रियाज करने दो। सुनो नहीं की गल है बीबी, अगर तो इनू साइड करना है। चुप हो जी। आया आया, तुम गाना शुरू करो। आया आया, ठहरा मर जाए गाना ना शुरू करी। वाह बीबी, तेरे भी गाना समझन दे, बहुत सुभान अल्लाह, अपने मेहंदी असन सुन दे ही होगी। चुप रहो गाओ। और ठहर जा ठहर जा, मैनू कन्ना के दीवार कर लें दे। बत्तमीज खुदा ना खास्ता उस्ताद तो फौत हो गए, आज वफात आ गए। इनकी आवाज तो सुनो। आवाज पै गई होनी सुननी। मैं चबाड़ी तो नहीं निकल गई? ओए खान साहब दी नाले पानी,
सिर्फ एह हो सकते आदाब आइए हुजूर कहिए किसी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए हैं या किसी कोताही की सजा देना मकसूद है। भाई जी शरीफों के इस बाजार में दादू बदमाश के अलावा तुम्हारी लौंडिया बहुत मशहूर है उसे देखने आओ। रहे नसीब मछंदर मछंदर बोलता नहीं जाओ नजमा को बुला के लाओ। बीबी मैं तो लगता है गुजर गए मैं बुला लेंगे। हाँ जाओ तुम बुला कर लाओ। अच्छा हुजूर आपने को तकलीफ की हमें बुलवा लिया होता। मैं बदमाश हूँ भाई जी और बदमाश उन उसूलों पर नहीं चलता जिस पर सारी दुनिया चलती है। फरमाइए पहले हमारी लौंडिया आपको सलाम करे या झुक कर इस बात की माफी मांगे कि आपका माल डेरे पर नहीं पहुंचा सके। सलाम करेगी तो सांस रुक जाने का खतरा है भाई जी माफी मांगेगी तो लिया हुआ माल लौटाना पड़ जाएगा। इसे इसी तरह हमारे सामने खड़ा रहने दो इस अदा की हम कीमत देने के लिए तैयार हैं। आप और हमें माल क्यों अपना कानून खुद ही तोड़ रहे हैं। भाई जी तुम्हारा ईमान है और हमें एहसास है कि इस चार दीवारी में कोई कानून नहीं सिर्फ करेंसी चलती है ये चलती रही तो कारोबार भी चलता रहेगा तुम्हारा भी और हमारा भी। गंगा उल्टी बहने लगी है खुदा खैर करे। ओ बीबी आज किधर आना हुआ। कुछ अपना कर्ज चुकाने आई हूँ और कुछ तुम्हारा। मैं समझा नहीं। तुम दादू को समझा देना मैं भी यही कहने आई हूँ दादू हमारी इज्जतों का मुहाफिज है या लुटेरा। अगर घर का रखवाला घर की खुद चोरी करे तो घर की दीवारों का क्या दोष। मैं दादू को अच्छी तरह जानता वो ज्यादती नहीं कर सकता। यक्कू दादा 15 बरस के बाद फिर से हमारा कोठा आबाद हुआ है। बड़े अरसे के बाद तमाशबीनों ने हमारे डेरे का रुख किया है। अगर दादू भी तमाशबीन बन गया तो शरीफों ने हमारे कोठे पर आना जाना छोड़ देना है। ये रही वो रकम जो दादू नजमा के पाँव में डाल आया था। और ये रहा वो नजराना जो मैं आपको देकर दादू का मुकाम याद दिलाने आई हूँ। तो जा बीबी मैं उससे खुद बात कर लूंगा। आया 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 मौला खुश रखे हजूर ये बात कर लेना ये ना हो के दादू हर रात को रकम छोटी बीबी नू दे जाए ते हर सुबह को बड़ी बीबी तुमको दे जाए। अरे वाह सुभान अल्लाह अरे फिर सुभान अल्लाह क्या चेहरे पे रूप चढ़ा है क्या चेहरे पे मिठास है केंद्र करुंडिये पवरे जे कीड़िया नु पता लग गया तो चंबड़ जाएंगे जलेबी नु। अबे तुझे क्या मालूम कि रंग रूप क्या चीज होती है तुझे सामने देखकर तो मुझे यूं लगता है कि मैं कुश्ती के अखाड़े में उतर आया। वाजे दे जरा सीमा अब पवरे पहले कोठे तो उतर फिर अखाड़े भी उतर आई पुत्र मेरी इंपॉर्टेंस का तो उदो पता लगना है जदों इस कोठे ते मुजरे दी बजाय खिच तरू होई। उस्ताद जी ये खिच तरू क्या होती है। मैं रवि उर्दू दिया कह दिया खिच तरू क्या होती है अब पागल दे पुत्र ये वो डिग्री है जेडी सिर्फ बदमाशा नु मिलती है। नजमा के कोठे पर कोई बदमाश नहीं आता। नोटों की सीढ़ी इस बाजार के हर कोठे पर पहुंचा देती। हाँ आज हम मुजरा सुने लेकिन हुजूर आपके सामने गाने के लिए सुर कहाँ से लाएंगे। आहो माई बाप
साढ़े सारे सुरत लिस्से हो गए ने, तुसी को होर कर लब लो। बको मत, आज सिर्फ हम गाना सुनेंगे। मैं नहीं गाऊंगी। अब? अभी नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे तुमसे नफरत है। अरे नजमा भाई, दादू से आज तक मोहब्बत की ही किसने, लेकिन तुम्हें पैसे से तो मोहब्बत है ना। मगर देखो इन नोटों का क्या कसूर, इन नोटों की तरह दादू भी एक नोट है। बदकिस्मती यह है कि अब तक गलत हाथों में चलता रहा। लेकिन मुझे बदमाश के नोट नहीं चाहिए। अच्छा तो इस कोठे पर आने वाला शरीफ कौन होता है? चोर, डाकू, स्मगलर, जुआरिया, बदमाश, इसके अलावा कोई आता है? भाई जी, हम तुम पे जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हें माल चाहिए और मुझे मोहब्बत। माल हम तुम्हें दे चले, मोहब्बत नहीं मिली तो ये सोच कर चले जाया करेंगे कि दादू नफरत ही के लिए पैदा हुए। खुदा बोतल पी लो दादू पहलवान। यहां से तुम्हारी लाश जाएगी। तुम्हारा जिस्म फिर दुख रहा है? अपने घर मनाओ दादू, वो तुम्हारा डेरा था, आज पता लग जाएगा। इन किराए के चमचों पे भरोसा करते हो? बगावत! जल्दी राय चलो। गाड़ी चलाते? मेहनत करने में क्या हर्ज? वैसे दिन में कॉलेज जाता हूं, मगर आप इस वक्त इतनी जल्दी में? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? क्यों? मुझे अच्छा नहीं समझ। तुमने जरूर कोई जुर्म किया होगा। तुम्हें यकीन है? पुलिस बिला वजह तो किसी को तंग नहीं करती। तुम सिर्फ पुलिस की बात करते हो, मेरे माथे पे तो तकदीर में पूरे जराइम की फेरिस्त लिख दी। सोचा था दोबारा मिलोगे तो तुम्हें अपनी मां से मिलाने जरूर ले जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा? कह देना ख्वाब देखा था, मेरी वजह से उसकी ताबीर गलत निकली। ठीक ही कहा तुमने, वाकई ख्वाब सिर्फ ख्वाब है। मैं तुम्हारे इस जुर्म में और शरीक नहीं हो सकता। मेहरबानी से गाड़ी से उतरो और चले जाओ, मेरी मां का घर आ गया है। कोई मिल गया था? सच बता, कहीं मेरा हामिद तो नहीं मिल गया था? नहीं। तो फिर मुझे तुझमें से अपने बिछड़े हुए बेटे की खुशबू क्यों आ रही है? मुझे तो वो आदमी मिला था जिसने एक दिन मेरी जान बचाई थी। तो जा जा, फोन मुझे यहाँ लिया, मेरा दिल गवाही देता है कि वही मेरा हामिद। हाँ वही। छोड़िए अम्मी, आप तो हर एक को अपना बेटा समझती हैं,
इतना बुरा आदमी आपका बेटा कैसे हो सकता है? माँ से बिछड़कर माशरे की ठोकर खाने वाले इतने बुरे नहीं होते बेटे। आप तो ऐसे बहस कर रही हैं जैसे आप वाकई उसकी माँ। अच्छा नहीं करती बहस, मगर अब तू भी उसे बुरा मत कह, इसलिए कि तेरी रगों में मेरे खून के साथ साथ उसका खून भी दौड़ रहा है। अब किसी के लिए अपना खून देने वाले इतने बुरे नहीं होते। अगर वो तुझे मिल जाए तो उसे मेरे पास जरूर लाना। अभी मैं चलता हूँ। बेटे आज तो छुट्टी का दिन है। आज ही तो कमाई का दिन है अम्मी, सारे मिस्टर मिसेस पिकनिक पे जाते हैं और मिस्टर जो है ना वो मिसेस पे रोक डालने के लिए किराए से ज्यादा टिप दे जाता। रहने दे किसी को, छुट्टी वाले दिन मेरे पास आ। चंद दिनों में रिजल्ट आ जाए अम्मी, सारी कटरी में जश्न मनाएंगे, घर घर लड्डू बांटेंगे, कुछ पैसे कमा लूं, फिर देखिएगा कैसा खड़ाक होता है। माफ कीजिए, गाड़ी में कुछ खराबी हो, कुछ वक्त लगेगा। Good.
तारो, तारो बेटी। जब जवान बेटी घर से गायब रहने लगे चाचा, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे तुझसे ज्यादा फिक्र है शुके। तुझे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है चाचा, सारा बंदोबस्त मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ तारीख बता दो। रिश्ता मिल जाएगा तो तारीख भी मुकर्रर हो जाएगी। आखिर बुड्ढे होना चाचा, मेरे होते हुए तुझे रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? आखिर बुड्ढे होना चाचा, मेरी बात की तह तक नहीं पहुंच सके। तारो से मैं खुद शादी करूंगा। तू? मुझे यकीन था तुझे यकीन नहीं आएगा चाचा। वाकई हैरान हूं कि जो शख्स एक शरीफ घर में दाखिल होने के काबिल नहीं, वो इस घर का दामाद कैसे हो? चाचा, चाचा न कहो लड़के, इसलिए कि तारो का बाप एक बदमाश का चाचा नहीं हो सकता। तुम चाचा बनो ना बनो बुड्ढे, लेकिन मैं तुझे अपना ससुर जरूर बनाऊंगा, इसलिए कि यह मेरा फैसला भी है और धमकी भी। फैसला इसलिए मंजूर नहीं कि इसे कबूल करने का हक सिर्फ तारो को है, और धमकी का इसलिए खौफ नहीं कि गैरतमंद बेगैरत से नहीं डरते। फिर सोच लो चाचा, इसलिए कि इस इनकार का अंजाम न तुम जानते हो न तारो जानती है। शुके, तेरी विकालत शुरू हो जाए तो फौरन तेरी शादी कर दूंगी। मैंने चांद सी को ढूंढ ली। नहीं अम्मी, पहले इस घर में आपका खोया हुआ चांद आ जाए, फिर उसकी रोशनी में आपकी बहू को। शर्म तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या करूं, आज कह नहीं पड़े। ओहो, तो कह भी चुप। तो मुझे ना मेरे बाप से मार गई नक्त, फिर वही मजाक। ऐसा करोगी ना तो वो जो शुके का बच्चा है ना, मुझे ले होएगा, मैं उसे प्यार करना चाहती है। तो और तू क्या चाहती है, वो दौलतमंद है, वो तुझे प्यार करता है, सारी जिंदगी है। मजाक कर रहे हो या बेसक हो रहे हो? दिल से कह रहा हूँ दारू, मैं तुझे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी तुझे ख्वाहिश है। मुझे तो सिर्फ तेरी ख्वाहिश शाहिद है, तू मुझे मेरे बाप से मांग ले, बेशक मुझे प्यार न देना। पगली, बगैर रूह के एक पुत्र से शादी करने से क्या हासिल होगा? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि मैं तुझे कभी अपनाऊंगा। भूलना तो बस में नहीं है शाहिद, लेकिन अगर तुम ना मिले ना तो मरना अपने बस में है, और तारा तुझे मर के भी दिखाएगी। खुदा ना करे। दादू, दादू, औरत बड़ी कमजोर चीज है, न बहादुर का साथ दे सकती है और न साथी होती है। मुझे डर है नजमा की मोहब्बत तुम्हें तमाशबीन न बना दे। मैंने लुटाना नहीं लूटना सीखा है उस्ताद। दादू, तवायफ से मोहब्बत करने वाले को लुटेरा नहीं तमाशबीन कहते हैं, और तमाशा ही कभी कभी तमाशा भी बन जाया करता है। देखो उस्ताद, मेरी तुमसे अलग भी एक जात है, और उसका नाम बदमाश नहीं सिर्फ दादू। दादू, लेकिन मेरा इन दोनों से रिश्ता तुम्हारा सिर्फ पैसे से रिश्ता, और वो तुम्हें मिलता रहेगा। दादी मानते हो, आंखें भी दिखाते हो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, हमेशा ठोकर खाकर समझते हो। जो ठोकर खा चुका हूं उस्ताद, उससे बड़ी ठोकर और क्या। चलो चलो, कहाँ जाना है साहब? हीरा हीरा मंडी चलो, हीरा मंडी। जी नहीं, उतर जाइए मेहरबानी से। अरे क्या कहते हो, हम क्यों उतरेंगे, हम जाएंगे। हाँ चलो चलो। क्या मुसीबत है। जनाब किराया तो दे दीजिए। देखिए काम का टाइम है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे फारिग कीजिए। ओह घबराओ नहीं, सब कुछ नहीं। वो देखो देखो, बैठो बैठो बैठो। आधा
पहली नजर में होश हो गए। नजमा भाई, ऐसा गाना सुनाओ कि ये इंसान तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हमेशा तड़पता रहे। मजबूर की हसरत के खरीदार है दुनिया, महबूब की गुर्बत के खरीदार है दुनिया, इंसान की इज्जत के खरीदार है दुनिया।
तुम्हें यहाँ देखकर ताज्जुब इसलिए हुआ कि तुम्हारी कमाई एक तवाइफ के लिए ना काफी है। गुस्सा इस बात का है कि तुमसे एक रिश्ता है, और दुख इस बात पर हुआ कि तुम जिस माँ के लिए कमाते हो उसकी पसंद की कोई चीज इस दुकान पर नहीं बिकती। अभी तो इस बात का फैसला नहीं हुआ कि खरीदार तुम हो या मैं। अगर तुम खरीदार भी हो तो इसे एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारी कमाई जितनी ज्यादा होगी इसका हिस्सा भी उतना ही ज्यादा होगा। अरे भाई क्या सितम है, हम शरीफों की कुछ कमाई तो ये बाइयां खा जाती हैं और कुछ ये बदमाश। इसे बदमाश कहकर बदमाशों की तौहीन न करो सेठ। तवायफों का माल खाने वाले को बदमाश नहीं कुछ और कहते उन्हें। तुम ऊंचा बोल सकते हो इसलिए कि मेरी रगों में तुम्हारे गंदे खून की बू भी है और मेरी गर्दन पे तुम्हारे झूठे एहसान का बोझ भी, लेकिन काश मेरी आंखें तुम्हारी रूह की गंदगी भी देख सकती। मुन्ने ये गंदगी मेरे पास अमानत है उस माशरे की जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना है। ये अमानत कभी दादू बदमाश को लौटाना पड़ती है और मुन्ने कभी दादू तल्ले को। लेकिन अगर तुम तमाशबीन के रूप में शराफत का दावा कर सकते हो तो मैं भी दादू के रूप में शरीफ हो सकता हूँ। हर बदमाश अपनी गर्दन पर एक अनकही दास्तान का बोझ रखता है, लेकिन वो दास्तान हमेशा झूठी और मनगढ़ंत होती है। तुमने इस बात का फैसला तेरी और मेरी माँ कर सकती है, लेकिन क्या करूं, माँ से मैं दूर हूं और तू मुझसे दूर हो गया है। बेटे क्या बात है बेटे? आपके उस बेटे का असल रूप देखकर आ रहा हूं जिससे मिलकर आता था तो आपको मुझसे अपने पिछड़े हुए बेटे की खुशबू आती थी। वो तो आज भी आ रही है। खुदा के लिए ऐसा ना कहिए अम्मी, इसलिए कि आप जिसे अछड़ा हुआ बेटा समझती हैं वो हीरा मंडी का सबसे बड़ा बदमाश है, भाइयों का माल खाता है। मुझे फिर भी उस कमर से नफरत नहीं हुई, लेकिन मैं उस कमीने को आज खड़ी खड़ी सुना कर रहा हूं। शायद ये इसके गैरतमंद होने की दलील है। मां गैरतमंद मां का बेटा है। सभी मंजिल अचानक सामने आ जाए तो मुसाफिर दम खुद रह ही जाता है। हामिद? ये हामिद नहीं है माँ, वही बदमाश है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मेरी आंखें मुझे हामिद क्यों नजर आ रहा है? अंधी आंखें भटक रही है माँ। मुन्ना ठीक कह रहा है माँ, मैं तुम्हारा बेटा हामिद नहीं दादू बदमाश हूँ। अंधी हो ना, इसलिए तुम दोनों झूठ बोल सकते हो, मेरी आंखों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरे ईमान को नहीं बदल सकते। तो तुम्हें अपनी माँ की कसम है, सच बोलो कौन हो तुम, कौन हो? माँ पहले ये बताओ, सच बोला मुझे किस नाम से पुकारोगे? माँ तुमने मेरा नाम हामिद रखा था, हालात ने मुझे दादू बना दिया, मेरा एक नाम बदमाश भी है। माँ बताओ तुम्हें कौन सा नाम था? बेटे बेटा रिश्ते का नाम है, पेशे का नहीं। उठो मेरे सीने से लग जाओ कि माँ तड़प तड़प के थक चुकी है। माँ मुझे इन्हीं कदमों में रहना था और यहीं से लौट जाना था, ये मुझे भी जन्नत के काबिल। मेरे सामने तो हामिद सामने आ। अच्छा हुआ तुम्हारी आंखें चली गई, वरना न मैं तुमसे आंख मिला सकता न तुम मेरी मजबूत सूरत दे सकती। अरे माँ की आंख तो मरने के बाद भी हमेशा औलाद के लिए खुली रहती है और मैं तुझे उसी आंख से देख रही हूँ। हाँ उसी आंख से, तो आज भी मेरे लिए वही आबिद, वही मेरा आबिद, मेरा मासूम आबिद, मेरा आ, 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 आ,
जा रही है तारो, कुछ मुझे भी बताओ। अरे वो अपना बाबू है ना? हाँ हाँ, उसका बिछड़ा भाई मिल गया। अरे यूँ कहो जैसी आ गए। बस कुछ ऐसे ही समझो, माँ इस खुशी में मिजारों पर, अब मैं घर घर लड्डू बांट रही। ले तो भी इस खुशी में खा। वो खुद के तारो, वो खुद से हमको मारो, वो किस बात का लड्डू है? लड्डू बांटे जा रहे हैं तारो, मेरी किस्मत जाग उठी है क्या? तेरे घर का क्या है? ओ पापा, ओहो अभी तक रात का गुस्सा है। लो भी मेरी तौबा जो आइंदा मैं कभी नजमा भाई के कोठी पर जाऊं। मुझे मालूम है तुम नजमा भाई से प्यार करते हो। जी, लेकिन मैं नजमा भाई से नहीं, नजमा से प्यार करता हूं। तुम किसी शहजादी से प्यार करो तो मैं उसे तुम्हारे कदमों पे लाके डाल दूं। नजमा क्या चीज है? नजमा मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है। उसे मनाना होगा, मैं खुद ले आऊंगा। इस सिलसिले में मुझे तुम जैसे आदमी की खिदमत हासिल करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मैं बाजार के बदमाश भी तो हो। इस कटरी के कई उचक्के उस बाजार में जाते हैं जो तुम्हारी करतूत से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर उनमें से किसी को यह पता चल गया कि तुम मेरी मां के बेटे हो तो उनकी नजरों में मेरी मां का एहतराम और मेरी इज्जत भी जाती रहेगी। बताओ इस मोहल्ले में कौन सी मां तुम्हें बेटा और कौन सी बहन तुम्हें भाई कहने को तैयार होगी जिसे अपना भाई भाई नहीं कह सकता, उसे बेगाने क्या कहेंगे? मुन्ने, दरख्त गिर जाए तो उसे हर इंसान अपनी जरूरत के लिहाज से काट लेता है। दरख्त वही गिरता है दादू जिसकी जड़ें खोखली हैं। नहीं मुन्ने, तूफान में गिरकर मजबूत से मजबूत दरख्त भी गिर जाता है। मेरी बदबख्ती यही है मुन्ने कि मैं ऐसे ही तूफान में गिर गया था। दादू, कुएं का पानी खाक किसी वजह से गंदा होगा, उसे कोई भी पीने को तैयार नहीं होता। यह बदमाश मेरी मां का बेटा तो हो सकता है लेकिन मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। काश काश तुम एक बार फिर कहीं खो जाओ। मुन्ने, आज एहसास हुआ कि दिलेर दादू कितना कमजोर है। जिस बदमाश को बंदूक की गोली नहीं मार सकी आज उसे तेरी बातों ने खत्म कर दिया। मां का बदमाश बेटा वापस जा रहा है, अब वो इस घर में बदमाश नहीं तेरा भाई बनकर वापस आएगा। आज के बाद से मैं दादू नहीं अमित हूं, अमित। नजमा मेरी मोहब्बत है, मैं नजमा से प्यार करता हूँ। नजमा मेरी मोहब्बत है, मैं नजमा से प्यार करता हूँ। नजमा मेरी मोहब्बत है, मैं नजमा से प्यार करता हूँ। मैं नजमा से प्यार करता हूँ, मैं नजमा से प्यार करता हूँ। नजमा, मैं तुम्हें लेने आया। तवायफ को ले जाने की बहुत बड़ी कीमत होती है दादू। मैं तवायफ को नहीं, नजमा को लेने आया हूं। नजमा का सिर्फ नाम है, वजूद मिट चुका है। नहीं नजमा, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। अजीब बात है, दो लुटेरे लोगों को लूटने की बजाय एक दूसरे को लूटना चाहते हैं। लूटना नहीं चाहते नजमा, अपनी असलियत की तरफ लौटना चाहते हैं। असाद को देखना चाहिए दादू, तुम्हारी बदमाशी और मेरी बेहयाई की सिर्फ इसी बाजार ही में मिल सकती है। लेकिन मैं शाहिद की अमानत को इस बाजार में नहीं छोड़ सकता। शाहिद से कह दो, बदमाशों के हाथों मंगवाई हुई बीवियां घर नहीं बसाया करती। शाहिद मेरा छोटा भाई है। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो। भाई की मोहब्बत ने गैरत जगा ही दी है तो तुम्हें सिर्फ ये नजमा क्यों याद आई है? वो सैकड़ों नजमाएं क्यों याद नहीं आई?
जो तुम्हारे डेरे पर जिंदा दरबार पड़ी है। नजमा, क्या इसलिए कि वो तुम्हारी किसी भी से मोहब्बत नहीं करती थी? बोलो जवाब दो। बस बस करो नजमा, शाहिद ने एक बात मारा था, तुमने मेरे जमीर को जगा दिया है। ये मेरा तुमसे नहीं अपने जमीर के साथ वादा है। जा रहा है बीबी, हमें एहसास है अब इसको जाने की सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या? भाग ना सके, हारून से कह दो अपने आदमी लेकर ना सके। हमें यकीन है दादू जरूर वापस आएगा। जाने दो बादशाह। क्यों? तुम्हारी जान बच जाएगी। बादशाह मत पूछो बादशाह, अपने सामने खड़ी हुई मौत को देखो और जाकर अपने उस्ताद से पूछो कि इस डेरे में मौत के और कितने खरीदार रहते। दादू! गलत नाम से पुकार रहे हो उस्ताद, आज से मेरा नाम दादू नहीं हामिद है। तुम्हारा दिमाग शायद फिर बदल गया है। सब कुछ बदल गया है। ये तुम्हारी नहीं किसी और की जबान है। ये मेरे जमीर की आवाज है। जमीर? कौन सा जमीर? वो जमीर जिसके बेचने वाले बेशुमार मिलते हैं लेकिन खरीदार बहुत कम। लेकिन इसे मुझसे ज्यादा तुमने बेचा है। इसकी कीमत भी मैं ही ज्यादा दूंगा उस्ताद। मरने के 100 तरीके हैं दादू, लेकिन जीने का सिर्फ एक अंदाज होता है। इस अंदाज का अंजाम जानते हो? ज्यादा से ज्यादा मौत जो मैं अपनी मुट्ठी में लेकर आया, अपनी भी और तुम्हारी भी। तुम रास्ते से हट जाओ उस्ताद, वरना मेरी पहली गोली के साथ उस्ताद भी जाता रहेगा और उस्ताद का एहतराम भी। एक बार फिर सोच लो दादू। पहले ही बहुत देर हो चुकी है उस्ताद। दादू, मैं मिन्नत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता, और मैं जिद इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। बोलो, वो दादू मर चुका है जो बदमाश भी था और बेगैरत भी। गैरत का ये रास्ता तुम भी अपना लो उस्ताद, साथ भी नहीं छूटेगा और तुम्हारी सांस भी। गैरतमंद बनकर दादू माल भी नहीं मिलता और मंजिल भी दूर रहती है। गैरत की तो मौत मिले तो बहुत बड़ी बात है उस्ताद। क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह मैं भी अंधेरों में डूब जाऊं? एक बार अंधेरों में डूब कर तो देखो उस्ताद, उभरोगे तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। रोशनी नहीं, रुपया चाहिए। इसके लिए अब तुम्हें खून पसीना एक करना होगा, इसलिए कि आज से मैं ये कारोबार भी बंद कर रहा हूँ और ये कोठी खाना भी। दादू! ये मेरा फैसला है उस्ताद, उसे धमकी भी समझो। सुन लो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वो दिन भूल जाओ उस्ताद जब कंधा मेरा होता था और बंदूक तुम्हारी। आज बंदूक भी तुम्हारी होगी और सीना भी तुम्हारा। आज से मैं इस डेरे का हर दरवाजा खोल दूंगा, हर दीवार गिरा दूंगा। आज से मैं भी आजाद हूँ और इस डेरे की हर मजबूर लड़की भी। तावी, जानी, पाशा, कोई लड़की भागने ना पाए, जो भागे उसे काली मारता हूँ। Yeah!
यकीन था तुम जरूर आओगे। तुम्हारी गोलियों की आवाज तो शायद कानून तक ना पहुंची हो, लेकिन जो गोलियां इस चार दीवारी में तुम्हारे सीने में प्रवस्त होंगी, उनकी आवाज मैं सुनूंगी, सिर्फ मैं। इन कुत्तों को वापस भेज दो अलमास भाई। जो शख्स खून का समंदर पार कर सकता है, वो ये नदी भी पार कर सकता है। तुम्हारा कसूर नहीं दादू, झोला जब भी बुझा है भड़क कर बुझा है। भड़कने से पहले बुझा दिया जाएगा सेठ, इसलिए कि भाइयों का माल खाने वाला बदमाश तो हो सकता है, बहादुर नहीं हो सकता। एक बार फिर मेरी तरफ गौर से देखो नज़े, आज मेरे हाथ में किसी भाई का माल नहीं, हर बेगैरत की मौत है। आज अगर मौत से बचना भी चाहोगे तो नहीं बच सकोगे। मैं आ गया हूं दादू। हाँ? कौन दादू? बुराई का उस्ताद मैं था, नेकी के उस्ताद तुम हो। बुराई में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा दादू। नेकी में मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं? लाश उठा कर लाया। लाश? मेरे लाल के हाथों में लाश? हाँ मैं, तारों की लाश। तारों मर गई अभी। तारों मर गई? पगली ने जो कहा था कर दिखाया, तारों मर गई अभी। तो फिर इस कमरे से पूछ, यह क्या लेने आई? लाशों को लाल जोड़े नहीं पहनाए जाते मेरी लाल, फिर भी ये मेरे घर क्यों आ गई है? देख, शायद तारो तो नहीं आ गई। नहीं माँ, मैं तेरा हामिद। अपने कांधे पर एक और लाश उठा कर लाया। लाश? ऐसा लगता है ये घर माँ का नहीं, मौत का घर है। एक लाश शायद उठा कर लाया है और एक लाश तू उठा कर लाया है। बोल हामिद, बोल माँ, किस किस की लाश पर मातम करे? किस किस की लाश पर मातम करे? मेरे कांधे पर जिंदा लाश है माँ, इसे कब्र की नहीं तेरे घर की जरूरत है। यह हमारे मुन्ने की अमानत है, इसे हासिल करने के लिए मुझे आग और खून की होली खेलनी पड़ी। किसने कहा था, किसने कहा था कि तुम आग और खून का ये खेल रचाकर मुझ पर एहसान करो? मैं अपने प्यार को इस घर में देखना जरूर चाहता था, लेकिन एक बदमाश के कंधों पर नहीं। मैंने नजमा और अपने लिए एक बड़ा पाकीज़ा ख्वाब देखा था, तुमने उसकी तहवीर को खिलौना बना दिया। मुन्ने, मैं तुझसे इनाम नहीं, इंसाफ चाहता, बदला नहीं अपना भाई चाहता।
चल भाई भी ना सही यार, झूठी मोहब्बत ही सही। इसलिए कि जिन्हें प्यार नहीं मिलता वो मर जाते हैं। हामिद, हामिद। माँ, हामिद, अब हालात की अमानत है, जिधर चाहेंगे ले जाएंगे। माँ माँ, तू अपनी अमानत संभाल ले माँ, यहां तक इसकी इज्जत और अस्मत की मैं कसम खाता हूं। आगे तेरी चादर इसको बना देगी माँ। दादू, ये किसकी आवाज है? ये तेरे दादू का माजी है माँ, जो हामिद की बात बनकर तेरे सामने आ गई। ये दादू नहीं, मेरा बेटा हामिद है, इसे मुझसे कानून नहीं छीन सकता। नहीं माँ, इसे कुछ ना कहो, तू सिर्फ अंधी है माँ, लेकिन ये कानून बहरा भी है। चल रहा हूँ। हामिद, हामिद, हामिद। अम्मी चुप हो जाएंगे। इसे बेटा कहेंगी तो खुद भी बदनाम हो जाएगी। कहूंगी जाहिर, कहूंगी, इसे कहूंगी। दादू मेरा बेटा है। मिलोर्ड, ये उस बाजार का वो बदनाम शख्स है जिसके जराइम की एक फहरिस्त तो हमारे सामने है और एक फहरिस्त तो उन सीनों में दफन हो गई है जिन्हें इसने हत्या कर दिया है। इंसानी खून की इतनी हौलनाक होली जुराइम की तारीख में कोई कोई खेलता है। एक वक्त में 14 कत्ल, सफाकी की वो बदतरीन मिसाल है मिलोर्ड, जिसकी जिस अदब भी सजा दी जाए कम है। मुजरिम के इकरार जुर्म और चश्मदीद गवाहों की तस्दीक के बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती, लिहाजा मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम दादू को जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत दी जाए। मिलोर्ड, माना कि मुलजिम दादू ने 14 कत्ल किए, लेकिन मिलोर्ड कानून सिर्फ जुर्म नहीं देखता, मुजरिम को भी देखता है, सिर्फ इंसाफ नहीं करता, असबाब भी ढूंढता है। हमें भी इंसानी खून की इस होली के असबाब ढूंढना होंगे। इसकी इसलिए जरूरत नहीं मिलोर्ड कि मुलजिम दादू शरीफ शहरी नहीं, माशरे का एक माना हुआ बदमाश। इसकी फाइल बताती है हर बाई से टैक्स लेता था, नजमा भाई के यहाँ इसका आना जाना भी था, इसे उससे इश्क भी हो सकता है, कत्लेआम की वारदात उस इश्क का अंजाम भी हो सकती है और गुंडा टैक्स देने से इनकार की इब्तदा भी। मुझे अपने फाजिल दोस्त के हर इल्जाम का इतराफ है, लेकिन मिलोर्ड दरख्त शाखों के सहारे नहीं जड़ों के बलबूते पर बढ़ता है। मिलोर्ड, 14 इंसानों की जान गोली ने ली है, दादू ने नहीं। दादू को अगर सजा दी जा रही है तो सिर्फ इसलिए कि उसने गोली चलाई। मेरा सवाल यह है मिलोर्ड कि उस बाजार में दादू के हाथ में बंदूक किसने थी? इसकी बदमाशी ने नहीं, बदकिस्मती ने। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं अपने फाजिल दोस्त की इत्तला के लिए अर्ज करूं कि मुलजिम दादू मेरा सगा भाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मां की गोद में परवरिश पाई है और ये माशरे की गोद में पला है। मेरे हाथों में कानून की किताब मां ने दी है और इसे कातिल माशरे ने बनाया है। अगर सजा देनी है तो इस माशरे को दीजिए मिलोर्ड, जिसने हामिद को दादू और दादू को बदमाश बनाकर इसके हाथों में जानलेवा हथियार भी दिया और भाइयों से टैक्स वसूल करने की जरूरत भी। अदालत तुम्हारी इस दलील से इसलिए इत्तफाक नहीं कर सकती कि गलत हाथों में खेलना बताते खुद एक जुर्म है। कोई भी शख्स जुर्म करने के बाद यह कहकर सजा से नहीं बच सकता कि उसे जुर्म करने पर मजबूर किया गया। जुर्म वही करता है जिसका जमीर मर चुका होता है और फिर मुलजिम खुद इकबाल जुर्म करता है। अदालत मजीद बहस की जरूरत न समझते हुए मुलजिम दादू को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो बोले। जज साहब, सफाई की इसलिए जरूरत नहीं कि आपके सामने दादू का अंजाम है और मेरे सामने एक बहुत मासूम जिंदगी का आगाज। जज साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं पानी लेने गाड़ी से उतरा था
इंसानी खून मुझे मजबूरन पीना पड़ा। बखुदा जज साहब, गाड़ी मैंने नहीं चलाई थी। मैंने हमेशा ये चाहा था कि मैं मां के कदमों में रहूं, मैं जन्म की नहीं मां की जन्नत में रहने चाहता था। लेकिन मां की जन्नत से निकलकर बेटा दोबारा उस जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो करता है, लेकिन दादू बदमाश बनकर कत्ल ही करता। जज साहब, खुदा की जन्नत से फरिश्ता निकले तो शैतान बन जाता है, मां की जन्नत से बेटा निकलकर दादू ना बनता तो और क्या बनता। लेकिन माफी ना जन्नत से निकले हुए शैतान को मिली है ना तुमको मिलेगी। माफी मांगी ही कब है जज साहब, मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मुझे मुजरिम मत कहिए, इसलिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्या तुमने 14 कत्ल नहीं किए? मैंने 14 कत्ल किए, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम एक बदमाश को खत्म कर सकते हो, माशरे की बेगैरती को खत्म नहीं कर सकते। जैसा आप मुझे सजा दीजिए, सरेआम संसार कीजिए, गोली से उड़ा दीजिए, लेकिन खुदा के लिए एक बदमाश को खत्म करने के साथ साथ माशरे की उस बेगैरती को भी खत्म कीजिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान का खरीदार बना देती है। जज साहब, खुदा के लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत और, ताकि मैं इस माशरे की रही सही बेगैरती को भी खत्म कर दूं। जज साहब, जिंदगी की भीख नहीं मांगता, जिंदगी की ख्वाहिश दुनिया में हर शख्स करता है, लेकिन मौत का खरीदार कोई नहीं होता। मैं वाहिद मौत का खरीदार हूं, इंसानों के खरीदारों को खत्म करना चाहता हूं। जज साहब, इंसानों के इन 14 खरीदारों को खत्म करके मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन कानून, कानून जज साहब, आपका कानून मुजरिम को हथकड़ी पहना सकता है, मुजरिम बनाने वाले का हाथ नहीं रोकता, गुनाहगार को पहचानता है, गुनाह को नहीं पहचानता। जज साहब, अगर यही कानून है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन खुदा के लिए ऐसे माशरे की तखलीक भी कीजिए जहां ना कोई बेचने वाला इंसान हो, ना कोई बिकने वाला इंसान हो, ना खरीदने वाला इंसान हो। अदालत की नजरों में मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, लिहाजा अदालत इसे जेर दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत तजवीज करती है। मां, मां समझ लेना, एक बार फिर मैं गाड़ी से उतर गया, एक बार फिर तुझे तलाश करूंगा।